नई दिल्ली का तख्त हासिल करने की भीषण लड़ाई के बीच एक महाभारत बॉलीवुड में भी चल रहा है। बॉलीवुड बीजेपी और विपक्ष के हमदर्दों और समर्थकों के बीच बुरी तरह बट गया है। एक तरफ जहां विवेक ओबेरॉय पीएम मोदी की बायोपिक बनाकर बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं मुंबई में उर्मिला मातोंडकर को मैदान में उतारकर कांग्रेस खेमे ने सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है। अनुपम खेर ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा था, मेरी बिरादरी के कुछ लोगों ने वर्तमान में संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को वोट ना देने की जनता से अपील की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो आधिकारिक तौर पर विपक्षी दलों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम यहाँ दिखावा तो नहीं हो रहा। अनुपम खेर ने इस तरह बॉलीवुड के उन लोगों पर निशाना साधा है जो मोदी सरकार को वोट ना डालने की अपील कर रहे हैं। अब स्वरा भास्कर ने अनुपम खेर की ट्वीट पर पलटवार किया है। स्वरा भास्कर ने लिखा है, हाँ यही लोकतंत्र है सर, भारत माता की जय। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन शुरू हो गए हैं। उनका किया गया यह ट्वीट वायरल हो रहा है। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह समेत थिएटर और आर्ट सिनेमा से जुड़े 600 से ज्यादा कलाकारों ने आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की अपील की है। उसमें नंदिता दास, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली, जोया अख्तर, कबीर खान, महेश भट्ट और अदिति राव हैदरी भी शामिल हैं। इस बारे में बात करते हुए नंदिता दास ने कहा था कि सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, ऐसे सभी राजनीतिक दलों के पक्ष में मतदान न करने की अपील की है जो सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अनुपम खेर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, अनुपम अगर आप मौजूदा सरकार से सहमत हो सकते हैं तो क्या आपको क्यों लगता है कि दूसरे कुछ अलग कर रहे हैं। सोनी को जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, प्रिय सोनी यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, कोई शिकायत नहीं। अनुपम खेर उन सेलिब्रिटी में शामिल हैं जो खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करते रहे हैं और अपनी बात मुखरता के साथ रखते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने टैलेंट के साथ साथ बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर रिएक्शन देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया था और कहा था, अब जो भी इस देश की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं की स्क्रीनिंग के दौरान पीएम मोदी की काफी तारीफ करते हुए कहा था कि 5 वर्ष कम होते हैं देश को गड्ढे से निकालने के लिए, मोदी जी को फिर से एक बार मौका मिलना चाहिए। बात मुंबई तक ही सीमित नहीं है। जयप्रदा यूपी के रामपुर से और हेमा मालिनी मथुरा से मैदान में हैं। वहीं मशहूर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर की चंडीगढ़ से लड़ने की फिर संभावना है। हालांकि बीजेपी और बॉलीवुड का पुराना रिश्ता रहा है, समय समय पर मनोज कुमार और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकार बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के पुराने योद्धा और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में दाखिल हो गए हैं। शॉटगन मुंबई में तो इतने एक्टिव नहीं हैं, मगर कांग्रेस की टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड पर ये जो सियासी रंग चढ़ा है ये क्या गुल खिलाता है।